तेलंगाना में काम करने वाले एक सहाफी तेलंगाना के जगतियाल जिले में मूसलाधार बारिश के दौरान बह गए। तेलुगु न्यूज चैनल एनटीवी के साथ काम करने वाले रिपोर्टर जमीर रायकल मंडल के बोरनापली गांव में 9 खेत के मजदूरों के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, जो गोदावरी का पानी बढ़ने से गाँव में फंस गए थे। जब गोदावरी नदी पर श्रीराम सागर के जखायर के गेट उठाए गए तो बोरनापली के 9 मजदूर दरिया के बहाव के बीच में फंसे हुए थे और फंसे हुए उन अफराद को उन लोगों ने उन मजदूरों ने एक सेल्फी वीडियो भेजा था। जमीर रेस्क्यू ऑपरेशन की कवरेज के लिए वहां गए थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जमीर और सैयद रियाज अली नामी एक और शख्स गांव से जगतिया लौट रहे थे। एक स्विफ्ट डिजायर कार में ये लोग सफर कर रहे थे और रामोजी पेट गाँव पहुंचे थे जब उन्होंने मेन रोड से शॉर्टकट लिया। तहम जब वो रायकल मंडल में रामोजी पेट और भूपति पेट के दरमियान सैलाब जदा सड़क को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कार सैलाबी पानी में बह गई। मकामी रिहायशियों जिन्होंने अपनी कार को इस कार को बहते हुए देखा, उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की। रियाज अली को बाहिफाजत निकाला गया जबकि जमीर अब तक लापता है। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है।